विजय सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये मेरे सवाल आपसे हैं, जो चाइना में इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई, जो चाइना में अभी हालात हैं, उनकी किताब है सुनजू की, जिसमें वो कहते हैं द आर्ट ऑफ वॉर, डायवर्जन इज द बेस्ट टैक्टिक्स। ध्यान भटका दो, अब ताइवान के साथ पंगे लो। पिछली बार जब उनके पास WHO से इंक्वायरी चल रही थी तो गलवान कर दिया, इस बार ताइवान कर दो जब एक और इंक्वायरी की बात हो रही है। देखिए, दो इसमें पक्ष हैं। एक, अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको आधे मिनट में वो क्लियर कर देता हूं कि इस समय चीन अमेरिका को बहुत लाइटली, या मैं कहूं कि इनसिग्निफिकेंट मान रहा है। उसके दो तीन कारण। सबसे पहले आप ये देखिए कि अमेरिका की सुनी किसने आज तक? तालिबान और पाकिस्तान अमेरिका की बात नहीं सुन रहे, इसराइल और ईरान अमेरिका की बात नहीं सुन रहे, वेनेजुएला और क्यूबा अमेरिका की बात नहीं सुनते, यमन और सीरिया अमेरिका की बात नहीं सुनते, यूक्रेन के मामले में रशिया ने अमेरिका की नहीं सुनी, और अब बात आती है ताइवान की। तो अमेरिका सिर्फ कमरे में बैठ के धमकी दे सकता है। अमेरिका के पास सिर्फ एक ही हथियार है, वो है इकोनॉमिक सैंक्शंस। इसके अलावा अमेरिका कुछ नहीं कर सकता। रशिया पे अगर अमेरिका सैंक्शंस लगाता है तो अमेरिका का नुकसान ज्यादा होता है, सॉरी चाइना पे अगर सैंक्शन लगाता है अमेरिका तो अमेरिका का नुकसान ज्यादा है, चाइना का कम है, क्योंकि अमेरिका की टोटल इकोनॉमी और इंडस्ट्रियलाइजेशन चाइना ओरिएंटेड है। तो चाइना इस बात को समझता है कि आज अगर अमेरिका जो टैक्स कमा रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होता है, उसका टैक्स अमेरिका को मिलता है और वहां से उनकी दुकान चलती। तो वन थिंग इज वेरी क्लियर कि अमेरिका हैज लॉस्ट इट्स सिग्निफिकेंस, क्योंकि ताइवान के मामले में जब तक वहां पे अमेरिका अपने फुट सोल्जर्स नहीं उतारेगा, सिर्फ कमरे में बैठ के धमकी देते रहना, देख लेंगे, कर लेंगे, सोच लेंगे। सर, मुझे एक बात बताइए विजय जी, ये बात मुझे समझ में आ गई आपकी, लेकिन मुझे एक बात बताइए, चीन की अपनी आर्थिक हालात इतने खराब हो चुके हैं। सेकंड पार्ट में मैं वहीं आ रहा हूं। हां, ये मेरा था पहला पार्ट जो आपने कहा अमेरिका का सिग्निफिकेंस। तो इस समय जब तक अमेरिका ताइवान में फुट सोल्जर्स नहीं उतारता, चाइना को कोई लेना देना नहीं है अमेरिका से, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दैट इज अटैक ऑन ताइवान, नॉट ऑन अमेरिका, और अमेरिका का कोई लोकल स्टडी टेक्निकली नहीं है अगर वहां पे चाइनीज सोल्जर्स ने कब्जा कर लिया, फिर उनके हाथ में कुछ नहीं होगा, जो ताइवान हमने अपने अफगानिस्तान में देख लिया है। अब आती है बात जो आपने कहा, देखिए चाइना इज नॉट ए स्टेट, प्लीज अंडरस्टैंड, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है, वहां की सरकार को और प्रेसिडेंट को पार्टी को बचाना है, उनको देश से कोई लेना देना नहीं होता है। और अगर वहां की जनता पार्टी के अगेंस्ट होती है तो वहां पे रेवोल्यूशन होता है। उसको रोकने के लिए चाइना को अपनी जनता को मेंटली कहीं ना कहीं एंगेज करना है, चाहे वो इकोनॉमिक क्राइसिस हो, ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट हो, रिड्यूसिंग यू नो क्वालिटी ऑफ लिविंग हो, और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर जो चाइना ने बढ़ा दी ऑन बॉर्डर्स एंड साउथ चाइना सी और बाकी सब जगह झगड़े और पंगे करके। अब वहां की जनता परेशान हो रही है वहां की सरकार से, जिसको कम्युनिस्ट पार्टी बोला जाता है। वहां स्टेट नाम की कोई चीज नहीं होती है, लॉयल्टी इज फॉर द पार्टी, कंट्री हैज नो मीनिंग, दिस फैक्टर डिफरेंशिएशन वी हैव टू अंडरस्टैंड। और अगर इस समय लीडरशिप कोई बड़ा काम करते नहीं दिखती ताकि लीडरशिप को डिस्टर्ब नहीं किया जाए, तो वहां पे छोटे छोटे रिवोल्ट हो सकते हैं विद इन कम्युनिस्ट पार्टी और विद इन रीजन। अच्छा, जो मुश्किल होगा चाइना को इंटीग्रेट रखने में, समझ गया। इसीलिए आपको एक बड़ा काम करना है ताकि सारे लोग लीडरशिप के पीछे खड़े रहे, ये कहे कि नहीं, इस समय देश पे खतरा है, देश की बात है, अभी कोई समझ गया, करो, मैं समझ गया। को जिंदा रहने, टिपिकल गली गुंडा फिलॉसफी, समझ गया मैं आपकी बात, गली गुंडा फिलॉसफी, गॉट इट, ये चेस गेम है। तो इसलिए ताइवान, मतलब विजय जी ये कह रहे हैं कि चाइना इंटरनल कंफ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए एक्सटर्नली डाइवर्ट करता है, जिससे कि दिखे कि चाइना एक्सटर्नली थ्रेटेंड है, जिससे कि इंटरनली जो उनका गुंडा है वो बड़ा हो जाएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।